अलवरगेट थाना पुलिस ने दो बाइक चोरों सहित मंदिर में चोरी करने वाले तीन आरोपियों को जेल से प्रोटेक्शन वारंट के जरिए गिरफ्तार किया। 6 जनवरी को गुलाबबाड़ी इलाके से चोरी हुई बाइक की रिपोर्ट पर पुलिस ने मदनगंज किशनगढ़ के आमिर खान उर्फ सलमान और भजनगंज निवासी डीकेएस बैरवा को गिरफ्तार किया। इनके विरुद्ध मदनगंज किशनगढ़ थाने में बाइक चोरी के एक दर्जन से ज्यादा मुकदमे लंबित हैं। वहीं गुलाबबाड़ी 9 नंबर पेट्रोल पंप और भजनगंज शिव मंदिर से छत्र और दान पात्र चोरी के मामले में बडला निवासी संदीप सिंह रावत, सावर सिंह रावत और नारायण सिंह रावत को प्रोटेक्शन वारंट के जरिए जेल से गिरफ्तार किया गया। आरोपी पूर्व में बाइक चोरी के आरोप में सजा काट रहे थे, जिन्हें अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया गया। हमारे यहाँ पर 15-20 दिन पहले शिव मंदिर है भजनगंज में, उसमें चोरी हो गई थी, जहाँ से दान पात्र से रुपए और छत्र और मुकुट चांदी के ये ले गए थे। तो मुलजिम नारायण सिंह, संदीप सिंह और सावर सिंह, ये जाति से रावत हैं और तीनों ही बड़लिया गांव के रहने वाले हैं। इनको बिनाई पुलिस ने गिरफ्तार किया था मोटरसाइकिल चोरी के मुकदमे में, तो वहाँ से ये जेल आ गए थे। जेल से हमने प्रोटेक्शन वारंट पर इनको लिया है, कल इनको पीसी रिमांड पे लिया है, पूछताछ चल रही है, आज रिकवरी हो रही है और रिमांड लेकर के आ रहे हैं अभी कोर्ट से, और तीनों सक्रिय हैं, काफी चोरियां की हैं। जीआरपी पुलिस अधीक्षक वीरभान अजवानी के निर्देशन में रेल यात्रियों और उनके सामान की सुरक्षा के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत जीआरपी पुलिस ने तुषार चौहान और मोहम्मद इमरान को 50 ग्राम चरस सहित गिरफ्तार किया। बरामद चरस की अंतर्राष्ट्रीय कीमत 50,000 रुपए बताई जा रही है। मंगलवार रात दादर अजमेर ट्रेन की भीड़ स्टेशन से बाहर निकल रही थी, तो भीड़ में दोनों युवक पुलिस को देखकर भागने लगे, जिन्हें घेरा डालकर पकड़ लिया गया। दोनों युवकों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। अधिकारी मैं जाब्ते की चेकिंग बदमाशान रेलवे स्टेशन अजमेर कर रहे थे, तो दो लड़के मुस्तफा हालत में नजर आए, जिन्हें पूछताछ कर नाम पटे पूछे थे। एक ने अपना नाम तुषार तथा एक ने मोहम्मद असलम बताया। इनकी तलाशी ली गई तो इनके पास में, एक के पास में 20 ग्राम और एक के पास में 30 ग्राम चरस मिली, जो जब्त की गई। इनको गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर एक दिन का पीसी रिमांड हासिल किया गया। आज पुनः इनको न्यायालय में पेश किया जाएगा।